हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। धन्य मुनि राज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे धन्य मुनि राज की मुद्रा, धन्य मुनि राज की निद्रा, धन्य मुनि राज की चर्या, धन्य मुनि राज की चर्चा। धन्य मुनि राज की समता, धन्य मुनि राज की क्षमता। धन्य मुनि राज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं।
मेरा जीवन है शत शत बार उन्हें वंदन। धन्य मुनिराज का जीवन है शत शत बार उन्हें वंदन। धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। प्यारे सभी साधर्मी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। मंगलमय तीर्थ यात्रा का क्रम आगे की ओर बढ़ते हुए आज हम सभी अपनी उस क्रमिक यात्रा में पुनः जुड़ गए हैं जो आज से लगभग 10 माह पूर्व हमने प्रारंभ की थी और अनवरत हमारी चल रही है। उस अनवरत तीर्थ यात्रा की इस धारा में आज हम सभी पहुंच रहे हैं मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के निकट पड़ने वाले क्षेत्र महेश्वर में। यह आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर महेश्वर क्षेत्र ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो यह जो जैन मंदिर है बहुत प्राचीन है। साथ ही साथ यहाँ लगभग 11वीं-12वीं शताब्दी की प्रतिमाएं विद्रागी भगवंतों की विराजमान है, ऐसा उपलब्ध जानकारी के अनुसार तय होता है। साथ ही आदिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, महावीर स्वामी, त्रिकाल 24 स्तंभ, मानस स्तंभ और लगभग 6 वेदियों में अनेक वितरागी जिनमें पंचबालेती भगवंत आदि विराजमान है। समाज कितनी है इसकी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन निश्चित ही जब इतना बृहद मंदिर है तो वहां की समाज जागृत ही रही होगी और आज भी निश्चित अभी मंदिर की जो स्थिति देखते हैं उस अनुसार ही अंदाज लगता है कि दिगंबर जैन समाज वहां धर्म आराधना के लिए इस मंदिर का रख रखाव करते हुए और अपने कल्याण की दृष्टि से इससे जुड़ी होगी। आइए इस मंगलमय क्षेत्र पर, यद्यपि ये महेश्वर क्षेत्र अन्य मत की अपेक्षा से हिंदू मत का भी पवित्र स्थल के रूप में प्रसिद्ध है और उस प्रसिद्धि के कारण तीर्थयाटन आदि यहाँ पर होता ही रहता है और इस क्रम में आज हम सभी ने मैंने स्वयं प्रथम बार इस जैन मंदिर के दर्शन का लाभ आप सभी के साथ प्राप्त किया है। आइए हम सभी आज दिगंबर मुनि भगवंतों का मंगल स्मरण करेंगे। प्राचीन जैन मंदिर है, इन जैन मंदिरों में निश्चित ही जब 11वीं-12वीं शताब्दी से यह बात आ रही है तो निश्चित ही दिगंबर मुनि मार्ग आराधना का पंथ यहाँ से प्रशस्त हुआ होगा। ऐसे दिगंबर मुनि भगवंतों का मंगल स्मरण आज हम सभी करते हुए और आदिनाथ भगवान, महावीर भगवान, पंचबालेती भगवान, 24 तीर्थंकर भगवान, त्रिकालवर्ती भगवंतों का मंगल स्मरण आज की पूजन के माध्यम से करने का भाव रखते हैं। आइए प्रारंभ करेंगे आज की पूजन। जय बोले 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय हो। जय बोले अनंतानंद सिद्ध ब्रह्मेष्टि भगवान की जय हो। घड़ी घड़ी पल पल छिन छिन निस दिन प्रभु जी का सुमिरन कर ले रे। घड़ी घड़ी पल पल छिन छिन निस दिन प्रभु जी का सुमिरन कर ले रे। प्रभु सुमिरे ते पाप कटत है, प्रभु सुमिरे ते पाप कटत है, जन्म मरण दुख भर ले रे। जन्म मरण दुख भर ले रे। घड़ी घड़ी पल पल छिन छिन निस दिन प्रभु जी का सुमिरन कर ले रे। घड़ी घड़ी पल पल छिन छिन निस दिन प्रभु जी का सुमिरन कर ले। तू सफल जन्म मेरा हुआ प्रभु दर्शन से आ। सब
आइए हम सभी पंच परमेष्टि भगवंतों का मंगल स्मरण प्रारंभ करते हैं। अरहंत से सुरी नामा ओझाय साधु गुण धामा परमेष्टि पद सुख तारी पूजन करहु दुखहारी परमेष्टि पद सुख तारी पूजन करहु दुखहारी। ओम नमः आदि मूल मंत्रेभ्यो नमः परिपुष्पांजलिं क्षिपे चारु मंगल शरण चेर है लोक में आपते अरसे साधु दया में धर्म नहीं भूमि ना सुख दुख कार है देश सुख रहित सुख नाम कामरम प्रभु आप को लखिए देश
आश्रय हुआ शरण अपनी से हटते स्वयं सब करम ओम नमो रते स्वापर पुष्पांजलिम छिपे मंगल विधान भाषा हूँ द्रव्य दृष्टि से अति पवित्र परिणति ही मात्र अपावन है फिर से ही पर में भ्रमित रही कुछ कार्य तब आराधन है प्रभु शांत माता की दृष्टि फिर मुद्रा हमें बताती है शांति शुचि काम करने है बाहर से कभी ना आती है रूप हमारा मंगलमय आराध्य हमारे विकारी भाव भगे हर पृथ्वी होवे मंगलमय नाम मंत्र है मंगलमय कर्म मुक्त तुम मंगलमय सम्यक के आदि गुण युक्त शेष मैं नमन करूं हे मंगलमय युक्त सभी पतिक्षण विनष्ट स्मरण किए तुम समझ रो यदि छिपे जिन सहस्त्र नाम अर्क पूर्वक आइए हम सभी 1800 लक्षणों से शोभित विद्रागी भगवंतों को मंगल अर्घ समर्पित कर रहे हैं गुण अनंत है प्रभु आपके मेरी है सामर्थ्य कहाँ संत नाम से अर्चन करके संत नाम से अर्चन करके आज ओम शिव भगवत जिन अस्ताधिक अर्घम निर्वपाउमिति स्वाहा पूजा पति क्या पाठ जो तीन लोक स्वामी मुक्ति रमापति है शादवाद नायक सानंद चार जो है करवंद नाम की पूजा विधि करूंगा जो भक्त प्राणियों को पुण्य बंद ले तू उनसे आप रूप महिमा जिनने प्रकट दिखाई ऐसे तिलोक दुर्बल पुंगव सस्तदायक पूर्ण ज्ञान दर्शन आनंद वीर वैभव प्रेरणा सतत ही मुक्ति मुझको भाव द्रव्य दृष्टि से शुद्ध मैंने जाना हरियाई शुद्धि हेतु अवलंब मैंने दिया से अब तो राजा की गर्मी नष्टा की अश्व द्वारा मैं भी प्रभु बनूंगा रथ पुराण पुरुषों तमे गुरु कर सब वस्तुएं तजूंगा निज पूर्ण ज्ञान है तो नित कुंभ पाप द्वारा करती हुई विकारी मैं पाप को सजा है अब पुण्य भी सजूंगा मैं पाप को सजा है अब पुण्य भी सजूंगा यदि पुष्पांजलि छिपे और आइए हम सभी स्वस्ति मंगल पाठ पूर्वक 24 तीर्थंकर भगवंतों का मंगल स्तवन प्रारंभ करते हैं श्री ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति सुमति प्रदायक है श्री शीतल श्रीयांस श्रीवास पूज और विमल प्रभु हरे नाथ मल्लि मुनि शोहत जी हमी नाथ ने मेयर पाश प्रभु Thank you.
पुष्पांजलि छिपे। और इस तरह से हम सभी ने विनय पाठ पूजा पीटिका के माध्यम से पंच परमेष्ठी भगवंतों को, वीतरागी जन शासन को, 64 रुधिधारी मुनि भगवंतों को यह मंगल स्मरण किया। आइए सर्वप्रथम देव शास्त्र गुरु भगवंतों को अर्घ समर्पित करते हुए आज की इस श्री महेश्वर खरगोन क्षेत्र के भव्य जिन मंदिरों की और वहां विराजमान वीतरागी परमात्माओं की भक्ति करते हुए दिगंबर मुनि राजों के साथ मानो हम जन मंगल में विहार करते हुए और मंगल आराधना की भावना धारण करेंगे। आइए देव शास्त्र गुरु भगवान को सर्वप्रथम अर्घ। अरहंत सुमन मन बावरे, अरहंत सुमन मन बावरे, प्रभु की जय।
अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। और यह वहां का कहना चाहिए कि स्तंभ है जहां पर लगभग सहस्त्र प्रतिमाएं हैं विराजमान, और यह सब लगभग 11वीं 12वीं शताब्दी के प्राचीन अवशेष के रूप में प्राप्त, लेकिन पूर्ण सुरक्षित वैरागी भगवंतों के दर्शन का सौभाग्य आप और हम सभी को प्राप्त हुआ है। आइए हम सभी चलते हैं दिगंबर मुनि भगवंतों के, जिनके चरणों के हम दासानुदास हैं, ऐसे मुनि भगवंतों के गुण स्वरूप का अवलोकन करने के लिए। टोडरमल जी साहब ने पंच प्रविष्टि भगवंतों की जहां स्वरूप व्याख्यान प्रथम अधिकार में किया मोक्षमार्ग प्रकाशक में, वहां प्रथम में ही अब अरहंत के स्वरूप का विचार करते हैं, अब सिद्ध के स्वरूप को ध्याते हैं, और अब आचार उपाध्याय और साधु के स्वरूप का अवलोकन करते हैं। अवलोकन करना मतलब देखना। अभी देखने मात्र से क्या होता है, जय परम शांत मुद्रा समेत। हे दिगंबर मुनिराज, आपकी परम शांत मुद्रा को देखकर तो हिरण आदि जीव भी आपकी ऐसी दशा को देखकर निर्भय होकर उपल खाज खुजावते, तिन सुथिर मुद्रा देख मृगगण उपल खाज खुजावते। मैं एक प्रश्न यहाँ से प्रारंभ करते हुए आपको विचार की उस धारा में लेकर के चलेंगे और फिर विचार करेंगे दिगंबर मुनिराज और हम में अंतर क्या है। यदि हम संसार अवस्था से देखते हैं तो वह भी देह सहित दिख रहे हैं, हम भी देह सहित दिख रहे हैं। अंतर यदि देखें, ऊपर अमल मल भरो भीतर कौन विधि घट सुचि कहे। ये हम अपनी परिणति देखते हैं तो ऊपर तो शुद्धि है और बाहर ऊपर तो कहना चाहिए शुद्धि दिख रही है, साफ दिख रहा है, और अंदर में अभी मोह राग द्वेष का मैल है। और दिगंबर मुनिराज को देखें तो उनका कैसा है, मुनि मन सम उज्ज्वल नीर प्रासुक खंद भरा। ऐसे हैं दिगंबर मुनिराज कि जिनका अंतर मन तो पूर्ण पवित्र है और बाहर अशुचिता का अपवित्रता पड़ी है, अपवित्रता को बाहर रहने दो और पवित्रता को लक्ष्य में लो, तो दिगंबर मुनिराज का स्वरूप अवलोकन होगा। एक दो पंक्तियां बोलेंगे बा हमारी मेरी भावना की दिगंबर मुनिराज का मंगल स्मरण करते हुए, और उसके उपरांत हम आज की पूजन की स्थापना के लिए प्रारंभ करेंगे। विषयों की आसान ही जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के दिन तत्पर रहते रहे सदा सत्संग उन्हीं का ज्ञान उन्हीं का नित रहे उन्हीं जैसी चरिया के चित सदा अनुरत रहे चित हाँ जी। आइए और हम प्रारंभ करते हैं आज की पूजन स्थापना के लिए। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। आइए ऋषभ जी भाई सब एक भक्ति के साथ, आज दिवस है दिगंबर मुनिराजों का मंगल स्मरण कर वह पवित्र दशा हमारी कब प्रकटे वह भावना भाने का। मर परम दिगंबर मुनि भर आया सब मिल दर्शन करो, सब मिल
साधु मुनीश्वर अत्र उत्तर उत्तर समोषट्यान अत्र तिष्ठति स्थापनम अत्र मम सन्नीतो भव षट्सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलिं क्षिपे। और सभी अपने स्थान पर विराजमान हो सकते हैं। आइए हम सभी आज यहाँ पर जिन दिगंबर मुनि भगवंतों की पूजन भक्ति कर रहे हैं, विश्वासा आरंभ रहित जो ज्ञान धान तप लीन रहे, सकल परिग्रह शून्य मुनीश्वर सहज सदा स्वाधीन रहे। मेरे मन में विचार आया, आचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्टि का जो सामान्य स्वरूप टोडरमल जी साहब ने एक पैराग्राफ में दिया है, उसे आज विचार करने का निश्चित अवसर है। और सरल भाषा में मैं सिर्फ पढ़ूंगा, आप उसे विचार करिएगा और उसके साथ साथ हम जो विशेष गुणों की चर्चा इस अष्टक में आएगी उस पर भी थोड़ा सा अवलोकन करेंगे। अवलोकन करो, अवलोकन। मैंने चौराहे पर जो कहना चाहिए फुटपाथ पे दुकान लगती है ना, उन दुकानदारों को एक बात कहते हुए देखा है। वो एक बात कहते हैं, लो ना लो देखते लो। वो बार बार ये बात कहते हैं, लो ना लो देखते लो। तो क्यों? हाँ, देखने के कौन पैसे लगते हैं, ये बात वो कहते हैं। देखने के कौन से पैसे लगते हैं, लो ना लो देखते लो। आपने बसों में भी देखा होगा जो छोटी छोटी पेन बेचते रहते हैं, पुस्तकें बेचते रहते हैं, वो आपको हम कहते हैं
नहीं चाहिए तो भी वो जबरदस्ती आपके पास रखे जाते हैं। क्यों? आप अवलोकन करोगे और उसमें आपको कुछ अपना हित भाषित होगा, आपका प्रयोजन सिद्ध होता दिखेगा, तो आप लोगे ही, ये पक्की बात है। टोटम जी साहब कहते हैं इन गुणों का अवलोकन करो आचार्य उपाध्याय और साधु में, जो विरागी होकर समस्त परिग्रह का त्याग करके शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके अंतरंग में तो शुद्धोपयोग द्वारा अपने को आपरूप अनुभव करते हैं, परद्रव्य में अहम बुद्धि धारण नहीं करते तथा अपने ज्ञानादिक स्वभाव को ही अपना मानते हैं, पर भावों में ममत्व नहीं करते तथा जो परद्रव्य और उनके स्वभाव ज्ञान में प्रतिभाषित होते हैं उन्हें जानते तो हैं परंतु इष्ट अनिष्ट मानकर उनमें राग द्वेष नहीं करते। शरीर की अनेक अवस्थाएं होती हैं, बाह्य नाना निमित्त बनते हैं परंतु वहां कुछ भी सुख दुख नहीं मानते तथा अपने योग की बाह्य क्रिया जैसी बनती है वैसी बनती है, खींच कर उनको नहीं करते तथा अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते हैं, उदासीन होकर निश्चल वृत्ति को धारण करते हैं। अभी इतनी चर्चा की और इस चर्चा पे विचार करते हुए आइए हम अष्टकों की धारा में प्रवेश करते हैं। बहुत सुंदर आज मुनि भगवंतों के स्वरूप चिंतन करने का हमें सुअवसर प्राप्त हुआ है। बहुत ही सुंदर अष्टकों के माध्यम से ये बात आएगी कैसे होते हैं दिगंबर मुनिराज। खींचतान का काम नहीं है, उपयोग बहुत भ्रमे ऐसा कार्य ही नहीं है। साधु कहते ही उन्हें है जो आत्म स्वभाव को साधते हैं साधु हैं, ऐसे दिगंबर मुनि भगवंतों के चरणों में बारंबार वंदन करते हुए आइए हम सभी अष्टक प्रारंभ करते हैं। मुनिराज बनना है जिन राज बनना है, अपना गिरे जंत स्वरूप हम भी प्रगट
Thank you.
कालवर्ती सर्वाचार उपाध्याय साधु मुनीश्वरेभ्यो अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। और टोडरमल जी आचार्य उपाध्याय साधु ब्रह्मिष्ठ के स्वरूप में आगे कहते हैं, अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते हैं, उदासीन होकर निश्चल वृत्ति को धारण करते हैं तथा कदाचित मंद राग के उदय से शुभोपयोग भी होता है, उससे जो शुद्धोपयोग के बाह्य साधन हैं उनमें अनुराग करते हैं, परंतु उस राग भाव को ही जानकर दूर करना चाहते हैं तथा तीव्र कषाय के उदय का अभाव होने से हिंसा आदि रूप अशुभोपयोग परिणति का तो अस्तित्व ही नहीं रहा है तथा ऐसी अंतरंग अवस्था होने पर बाह्य दिगंबर सौम्य मुद्धाधारी हुए हैं, शरीर को सवारना आदि विक्रियाओं से रहित है, वन खंड आदि में वास करते हैं, 28 मूल गुणों को अखंडित पालन करते हैं, 22 परिश्रमों को सहन करते हैं, 12 प्रकार के तप को आदरते हैं, कदाचित ध्यान मुद्रा धारण करके प्रतिमावल निश्चल होते हैं, कदाचित अध्ययन आदि बाह्य क्रिया धर्म क्रियाओं में प्रवृत्त है, कदाचित मुनि धर्म के सहकारी शरीर की स्थिति के लिए योग्य आहार विहार आदि क्रियाओं में सावधान होते हैं, ऐसे जैन मुनि हैं, उन सब की ऐसी ही अवस्था है। यह जो वर्णन किया गया ये कोई चौथे काल के मुनिराज की बात नहीं है, ऐसे जैन मुनि होते हैं, उनकी ऐसी ही अवस्था है। निश्चित ही यह वचन सुनते मात्र से ही हमें दिगंबर भावलिंगी संत मुनि भगवंत आचार्य कुंद स्वामी, अमृतचंद स्वामी, धर्षन स्वामी, पुष्पदंत भूतबली और पूरी पट्टावली के जो सहस्त्र मुनि भगवंत हैं उनके दर्शन हमारे दृष्टि में होते हैं। ऐसे मुनि भगवंतों का मंगल स्मरण आज हमने अभी पूजन और अष्टक के माध्यम से भी यहाँ किया। जो चर्चा इसमें आई है बस गद्य को पद्य के रूप में यहाँ रख दिया है। मैं जयमाला प्रारंभ करता हूँ इसी टोडरमल जी साहब की, ये जो हमने अभी स्वरूप पढ़ रहे हैं आचार्य उपाध्याय साधु का, जब मैं साधु प्रविष्टि के स्वरूप को पढ़ रहा था उसी समय यह मुनि भगवंतों की भक्ति का भाव आया था और वह भक्ति लिखने में आई थी। आई उस भक्ति की कुछ पंक्तियों के साथ जय माला का दोहा हम प्रारंभ करेंगे। जब ने 3,9,00,00,000 दिगंबर मुनि भगवंतों की जय हो। आत्म अनुभव नित रमन करते सदा मुनि राज है, करते सदा मुनि राज है, मुक्ति पथ अनुरागी गुरुवर सौभ्य के साम्राज है, आत्म अनुभव नित रमन Oh,
विशेष स्वरूप अवलोकन के लिए हम आगे की ओर बढ़ने वाले हैं। मैं एक मिनट के लिए बीच में आमंत्रित करना चाहता हूं विजय भाई को, दादर से विजय भाई, दादर से उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगा। हाँ विजय भाई, थोड़ा सा आप आगे उठ करके आइए और अनम्यूट करिए आपका मोबाइल। देखिए मैसेज पहुंचा आपका। हाँ जी ठीक है। जय जिनेंद्र सभी को। और ये जो पूजन वगैरह जो चल रही है बहुत ही अच्छी विवेक जी करा रहे हैं। कल जो हमें पूजा नहीं मिला तो कल हमको हमारा दिन खाली खाली लगा, तो मैंने आज उठते ही देखा चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हो गया, तो बहुत अच्छा लगा। रही मुनि राज की बात, तो मुनि महाराज तो हमारे टॉप फाइव में आते हैं। टॉप फाइव में अरंत टॉप नंबर वन, सिद्ध टॉप नंबर टू, आचार्य टॉप नंबर थ्री, उपाध्याय टॉप नंबर चार और सर्वसाधु जी टॉप नंबर फाइव। टॉप फाइव में आते हैं और साधुओं में परमात्माओं से ज्यादा संख्या साधुओं की है। साधु हैं हमारे तीन, परमात्मा हैं दो, और इनसे साक्षात्कार होता रहता है। इनके डबल फायदे हैं, अरहंत परमात्मा का दिव्य ध्वनि करके और मोक्ष को प्राप्ति को प्राप्त हो गए, परंतु इन आचार्यों ने, उपाध्यायों ने, मुनिराजों ने हमें जो शास्त्र दे गए, देखिए हमारे पास योग शास्त्र भी लगा हुआ है, तो ये मुनिराज हैं, शास्त्र भी दे गए और स्वयं भी हमारे हृदय में बसे हुए हैं। दो फायदे, मुनिराज देव तो गए, शास्त्र और गुरु हमारे पास हैं, बहुत फायदा है। और मैं अभी दर्शन करके आया था, पूजा सुनी तो मेरा मन हो गया पूजा में बैठ जाऊं, तो मैं बैठ के पूजा में बैठता हूँ, वैसे ही बैठता हूँ, परंतु कभी कभी स्वाध्याय का लोभ लालच ज्यादा लग जाता है तो मैं विशेष दिनों में बैठ जाता हूँ। पूजा चालू रखें, और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि पूजा का क्रम ना तोड़े ना टूटे तो बहुत अच्छा है। आप बस इतना ही मेरा विनय है आपसे। जय जी जी। बहुत अच्छा, टॉप फाइव की चर्चा आपने की, कुछ हट करके ही विजय भाई बात करते हैं और निश्चित टॉप फाइव में मेरे को ऐसा ध्यान आता है, आजकल कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदने जाओ तो उसमें 5 स्टार की रेटिंग बताई जाती है, 5 स्टार रेटिंग होती है, 5 स्टार में से कितने स्टार इसको प्राप्त हो रहे हैं। वास्तव में 5 जो टॉप रैंक हमने बताया है, हम जिसको हम हिंदी में कहें तो परम पद को जो प्राप्त हुए हैं, ऐसे पंच परमेश्वर भगवंतों को 5 स्टार किस पे लागू होने वाले हैं, 5, ये तो 5 पद की बात हो गई, पर वह 5 स्टार रैंकिंग को प्राप्त करने का अधिकारी कौन है, वह टॉप पर्सन कौन है, तो वह है ज्ञायक भगवान आत्मा, क्योंकि इस यह सब आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही है शरण। ऐसे दिगंबर मुनि भगवंतों का बहुत सुंदर चिंतन अवलोकन मनन करते हुए आइए हम सभी जयमाला पाठ करते हैं। मैंने मुनिराज देखे सपने में रात को, मुनिराज देखे
सुंदर जयमाला पाठ आप सभी ने ध्यान दिया होगा। अनन्य शरण भव्यों को आप मेटे चाह दाह धोता, धन्य धन्य वनवासी संत सहज दिखावे भव का। अनन्य शरण, इस जगत में और कोई शरण नहीं है। शुद्धातम अरु पंच गुरु जग में शरणा दोए, और उनमें भी अरहंत आदि परमात्मा तो इस पंचम काल में हमें उनके साक्षात दर्शन नहीं है, लेकिन चौथे काल में होते थे, पर वह भी सदैव हो ऐसा भी नहीं होता था। तो निश्चित ही और सिद्ध भगवंत तो सिद्धालय में विराजमान है, इंद्रिय गोचर है नहीं है। जगत तो आंखों से जो दिखे उसी को भगवान मानेगा, उसी की सत्ता को मानता है। तो दिगंबर मुनिराज है जो उसके नेत्र गोचर भी हैं और ज्ञान स्वरूप से अवलोकन करें तो अपने अनुभव में भी आ सकते हैं। ऐसे दिगंबर मुनिराज धन्य धन्य वनवासी संत सहज दिखावे भव का अंत, प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं मोक्ष मार्ग कैसा है, सुख कहाँ है, यह मुनि भगवंतों को देखने से पता लगता है। और एक बहुत अच्छा विशेषण मुनिराज के लिए प्रयोग किया गया, अनियतवासी सहज विहार। मुनिराज अनियतवासी होते हैं, किसी भी स्थान विशेष पर, एक क्षेत्र विशेष पर, स्थान विशेष पर, वन खंड आदि में भी अधिक समय नहीं रुकते हैं। उसके दो कारण होते हैं, एक तो कहीं रुकेंगे और नगरवासियों को पता लग जाएगा तो उनका आवागमन वहां चालू हो जाएगा। दूसरी बात, यह स्थान बहुत सुंदर है, यहाँ मन अच्छा लगता है, यहाँ वृक्षों की छाया है, यहाँ बहुत शांति है, यहाँ कोई मेरी ध्यान आराधना को डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, ऐसा विचार भी आवे और उस स्थान से राग हो जावे तो मुनिराज को वह राग भी बहुत घातक है। ऐसा जानकर मुनिराज तो बहते हुए झरने की तरह और एक स्थान विशेष पर नहीं रहते, अन्यतवासी संत सहज व्यवहार, चंद्र चांदनी सम विकार, रखे नहीं जग से संबंध, करे नहीं कोई अनुबंध। आप पता है अभी जैसे विजय भाई ने कहा कि चलने देना चाहिए पर मैं अनुबंध नहीं कर सकता, क्योंकि अनुबंध करना मतलब ये होता है कि हम एग्रीमेंट पे साइन कर रहे हैं, फिर हम जवाबदेही होगी। लेकिन मुनिराज दिगंबर मुनिराज से कोई पूछे, हे प्रभु क्या हमें तत्व का उपदेश का लाभ मिल जाएगा, हम कल आपके दर्शन को आए तो आपका दर्शन हमें मिलेगा, मुनिराज कोई जवाब नहीं देते हैं। तो इससे आगे की और कौन सी बात होगी कि नगर वाले पहुंच गए कि आप हमारे नगर में आ जाओगे तो मंदिर का जीर्णोद्धार हो जाएगा, ये तो बहुत स्थूल कथन हो गया। ऐसी चर्चा तो मुनिराज कभी करते ही नहीं है। यदि कदाचित किसी कार्य के ऊपर कोई कथन भी कहें तो सिर्फ इतना ही कहते हैं, देखो क्या होता है। क्या उत्तर होता है? देखो क्या होता है। देखो क्या होता है मतलब अपनी जिम्मेदारी से निर्भर और क्रमबद्ध पर्याय पे बात डाल दी। केवल ज्ञानी के ज्ञान में जो झलका होगा, जो जो देखी वीतरागने सोसो होसी वीरारे। ऐसे दिगंबर मुनि भगवंतों की अनुपम परिणति हमारे प्रकट हो, इसी मंगल भावना से पूजन पूर्ण हुई। आई अंतिम दोहा पाठ। नगन दिगंबर संत पधारे, नगन दिगंबर संत पधारे, नगन दिगंबर संत पधारे, नगन दिगंबर संत पधारे, आंगन में आज मेरे Oh,
भक्ति और आनंद का प्रवाह संचार होता है जब भावलिंगी संत मुनि भगवंतों के निकटवर्ती होने का अवसर प्राप्त होता है। धन्य मुनि दशा की चित्रावली को आप और हम सभी यहाँ देख रहे थे। दिगंबर मुनि राजधानारूढ़ अवस्था में है और एक श्रावक आप देख पाएंगे, एक श्रावक दिगंबर मुनि राज का जो संयम का साधन उपकरण है उसको लेकर बड़े विनय भक्ति के साथ में वहां पर खड़े हुए हैं और उन्हें वह समर्पित कर रहे थे। और एक आचार्य भगवंत के द्वारा एक उनके शिष्य पट्टवर्ती शिष्य को और ज्ञान दान दिया जा रहा है। वह ज्ञान दान जिन शुद्ध की जो कहना चाहिए सात स्वाध्याय, यद्यपि मुनिराज सतैव साथ में नहीं रखते हैं, लेकिन एक बहुत गजब की बात मेरे को बड़ी प्रसन्नता हुई जब मैंने बात पढ़ी गुरुदेव श्री के प्रवचनों के ऊपर से। मुनिराज की उदासीन वृत्ति का एक आदर्श उदाहरण यदि आपको देखना हो, मुनिराज किसी ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हो, विषय बहुत रुचिकर हो और आनंद में निर्भर हो रहे हो और इसी समय उनके मुख की प्रसन्नता को देखकर मानो उनके शिष्य में से कोई पूछे हे मुनिराज प्रसन्नता का विशेष कारण क्या है, तो वह उस रहस्य को बताते हैं और उस रहस्य को बताते ही शिष्य को लगता है यह जिनवाणी कितनी अलौकिक है, माँ जिनवाणी इसका और क्या है और क्या है और क्या है। तो उसकी जिज्ञासा को देख कर मुनिराज ये नहीं सोचेंगे कि चलो अब पहले मैं पूरा ग्रंथ अध्ययन कर लूंगा इसके बाद इनको दूंगा, उनकी उत्साह और उत्सुकता को देखकर वह अध्ययन को वही विराम देकर वह जिनवाणी उसे सौंप देते। आप सोच सकते हैं कितना निरालंबी आराधना मुनि भगवंतों की होती है। यानी हम तो संयोगों को छोड़ने तैयार नहीं और दिगंबर मुनिराज स्वभाव को ऐसे पकड़ के रखे हैं कि संयोग पर दृष्टि ही नहीं जाती है। ऐसे बहुत सुंदर भगवंतों का आज गुण चिंतन हम सभी ने किया। आइए 24 तीर्थंकर भगवंतों को अर्घ्य समर्पित करते हैं। जल फल आठो सुचि सारता को अर्घ्य करो, तुम्हें को अर्घ्य भवतारे भवतरि मोक्ष वरो, चौपी सौसिरी दिन चंद आनंद कंद सनि, तज जगत हरत भव चंद पावत मोक्ष हरि। ओम नमः श्री विश्वादि वीरंतेभ्यो नरपद प्राप्ताय अनर्पण प्राप्त है निर्वपामिति स्वाहा। आइए भगवान महावीर स्वामी को अर्घ समर्पित करेंगे। इस अर्घ का क्या मूल्य है अनर्घ पद के सामने, उस परम पद को पा लिया है उसे तुम्हारे आपने, तुम्हारे शांत हो जिनके
पिछड़े हमारे ध्यान में महान दिन पिछड़े हमारे ध्यान में वर्धमान जिनेन्द्राय अनर्ग पद प्राप्ताय अर्घम निरूपामिति स्वाहा। और आइए हम सभी 16 कारण व्रत चल रहे हैं इसलिए अर्घ 16 कारण को भी समर्पित करेंगे। जल फल आठो दरब चढ़ा दान ते वरत करो मन लाए जय जय नाथ परम गुरु समुच्चय महार मैं देव श्री अरहंत को जो से पूजो आचार्य श्री हो जाए पूजो नाथ पूजो भाव क्षेत्र विद्यमान भी सिद्धंकर भगवान के 1008 नाम श्री विश्वादि महावीर परम चतुर्विंशति दिनकर जलार्गम मार्गम निर्वपामिति स्वाहा। आइए शांति पाठ के माध्यम से पूजन पूर्ण कर रहे हैं। शास्त्रोक्त विधि पूजा महोत्सव सुरपति चरी कर सार के लोग पुरुष के तथा विधि पूजा करे क्रिया ज्ञान रहित न जाने रीत को जप नाथ जी हम भक्ति वस्त चरण आदि जोड़ दी ने हाथ जी मंगल करण आशा भरण जिन पूजा से भीषण विपिन में सुकर्म मिले इस दाहते आखुले चित है शांत तल कहूँ ना लियो दिले शांति करो शांति सुकरण सम्रत जगपति सुकर्म मेरी शांत कर को शांत है पंचम गति जगलों में शिवला हूँ तबला दे हुए नर पावन सत्संग छुट्टा चरण अभ्यास आत्म भावना दिन अनंतानंद का करो प्रमाण के मानते गगन न पे कहे मान पुष्पांजलि छिपे क्षमा अपना के पूर्व आइए हम सभी 3 बाणों का मंत्र का पाठ करते हुए कार्य सिद्ध करें।
विसर्जन पाठ समापन। बिन जाने वा जान के नहीं टूट जो हो संत साथ के परम गुरु तो सब पूर्ण प्रभु मुझे जगने का नूर नहीं मंगा और ये चरण भूल नहीं क्षमा करो भगवान पत्रहीन बलहीन हूँ क्षमा करो राघवो मुझे शासन की जय हो। इस तरह से हम सभी ने आज मंगल में पूजन की और आज से 248वें पूजन का क्रम पुनः जोड़ लिया है। कल 249 और रविवार के दिवस हमारी 250वीं मंगल तीर्थ वंदना इसी उत्साह के साथ हम सब सम्मिलित करेंगे। और साथ ही साथ आप सभी को ध्यान रहे, अब जो आगामी 2 दिवसों की हमारी पूजाएं हैं उस पूजा में कल एक तीर्थंकर भगवंत की कल्याणक तिथि भी हमारे साथ जुड़ने वाली है। और आखिरी यानी जो हमारा आखिरी तो नहीं 250 की जो हमारी मंगल तीर्थ पूजन होगी वह कुछ विशेष पूजन के साथ हम सभी जुड़ेंगे। पंच कल्याणक 24 तीर्थंकरों के 5 कल्याणकों की पूजाएं मतलब 2400 तीर्थंकरों की ही सामूहिक पूजा एक नवीन पूजा प्राप्त हुई है आदरणीय पवैया जी की जो बहुत कम प्रचलन में थी। उस पूजा के माध्यम से हम 250वीं पूजन पूर्ण करेंगे और अनेक तीर्थों के दर्शन का लाभ प्राप्त करेंगे। आइए अभी हम एक बार क्षेत्र का दर्शन प्राप्त करते हैं, महेश्वर क्षेत्र खरगोन का, जो कि लगभग 11वीं-12वीं शताब्दी का प्राचीन जैन मंदिर। और इस जैन मंदिर के साथ साथ हम सभी स्वाध्याय के क्रम में 20 मिनट का समय शेष होगा तो स्वाध्याय से हमारे हैं हमें प्राणों से प्यारे हैं। धन्य मुनिराज हमारे हैं हमें प्राणों से प्यारे
हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। धन्य मुनिराज का उद्यम, धन्य मुनिराज का ध्यान, धन्य मुनिराज का चिंतन। धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। शत शत बार उन्हें वंदन, धन्य मुनिराज का जीवन है, शत शत बार उन्हें वंदन। धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। बहुत ही सुंदर तीर्थ क्षेत्र के दर्शन अभी सभी हम सभी ने किए। महेश्वर क्षेत्र जो कि खरगोन मध्य प्रदेश के निकटवर्ती है, और बड़ी प्राचीन पीतरागी भगवंतों की प्रतिमाओं का दर्शन लाभ प्राप्त किया। आइए अब हम लगभग हमारा 20 मिनट का समय है, 20 मिनट के समय में जो हमारा कर्ता कर्म अधिकार के अंतर्गत समय सार कलश में 15वां कलश जो चल रहा है, और वैसे तो क्रम अनुसार 60 नंबर होता है, पर इस अधिकार का 15वां कलश। कलश पाठ के साथ पहले मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। ड़मो रिहंताणम ड़मो सिद्धाणम ड़मो आयरियाणम ड़मो उवच्छायाणम ड़मो लोए सब साहूणम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे। कलश पाठ। ज्ञानादेव ज्वलन पैशौरश्ण्य सैत्यत्व्यवस्था ज्ञानादेवोल्लसति लवण स्वादु भेद व्युपदाशा ज्ञानादेव स्वरस विकृषन् नित्य चैतन्य धातो क्रोधादैश्च प्रभवति भिन्न भिद्ध भिन्दन्ति कर्तुभावाम। इस कलश के भाव को यद्यपि हम मूल शब्द के अनुसार समझ रहे हैं, लेकिन एक पंक्ति को यदि हम विचार करते हैं, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात अन्यत करोति किम। आत्मा ज्ञान स्वभावी है,
स्वयं ज्ञान से बना हुआ है और ज्ञान के अतिरिक्त तो कुछ करता ही नहीं है। ऐसे उस ज्ञान स्वभाव की चर्चा यहाँ पर की गई थी कि शुद्ध स्वरूप वस्तु का अनुभव करने पर जो चैतन्य स्वरूप है वह प्रकाशमान है, अनुभव करने पर प्रकाशमान है। देखिए एक बात होती है पदार्थ है और एक पदार्थ की सत्ता का श्रद्धान है, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। कोई वस्तु होना अलग बात होती है और वो उस वस्तु में अपनत्व के भाव के साथ श्रद्धान होना ये अलग है। इस बात को आदरणीय डॉक्टर साहब ने अपने पुस्तक में एक जगह ऐसा लिखा है जहां मैं कौन हूं निबंध है उनका और वो एक पुस्तकाकार है, वहां पे एक पंक्ति आती है अपना होने से क्या होता है जब तक अपनापन ना हो। क्या कहा? अपना होने से क्या होता है जब तक अपनापन ना हो। अपना तो कोई भी हो सकता है, व्यवहार कथन में भी अपना कहा जाता है, लेकिन अपनापन होना यह अपनत्व की बात की सिद्धि भी करता है, उसके प्रति आपका स्नेह को दर्शाता है, उसके प्रति आपके समर्पण को, उसकी सत्ता की स्वीकृति को दर्शाता है अपनापन। तो यहाँ पर कह रहे हैं शुद्ध स्वरूप मात्र वस्तु को अनुभव करते ही चैतन्य स्वरूप उससे प्रकाशमान है। किससे प्रकाशमान है? अपने ही स्वभाव से प्रकाशमान है। यह कोई कहना चाहिए भगवंतों की कृपा से है कि भगवंत कैवल्य ज्ञानी है, उनके कैवल्य ज्ञान की छाया मेरे स्वरूप पर पगड़ी है और वो ज्ञान प्रकट हुआ है, ऐसी बात यहाँ पर नहीं की जा रही। यहाँ अपना ही स्वरूप की बात की जा रही है, अपना ही स्वरूप स्वयं प्रकाशमान अविनश्वर ऐसा जो शुद्ध जीव स्वरूप है जिसमें अशुद्ध चेतना रूप रागादि परिणाम का भिन्न पना होता है। भावार्थ इस प्रकार है कि वर्तमान में जीव द्रव्य रागादि अशुद्ध चेतना रूप परिणाम है। वर्तमान में यह दोष एक समय का है, त्रिकालिक स्वभाव का दोष नहीं है। स्वभाव कभी अशुद्ध नहीं होता। जिस समय पानी मिट्टी में मिला हुआ दिखता है और अशुद्धि उसमें झलक रही है, अशुद्धि उसमें घूम रही है, अशुद्धि उसमें तैर रही है, उस काल में भी पानी को उसके स्वाभाविक लक्षण से देखें तो शुद्ध ही है। उबलता हुआ पानी शीतल ही है, पर किस दृष्टि से? स्वभाव की दृष्टि से। किस दृष्टि से? स्वभाव की दृष्टि से। और एक बात कही थी, जो स्वभाव होता है वह प्रकट होता ही होता है। कोई कितने ही प्रयास कर ले स्वभाव के विपरीत नहीं जा सकता। हम कह रहे हैं पूर्व सूर्य दिशा से ही, पूर्व दिशा से ही सूर्य उदित होने वाला है। आप कितना ही प्रयास कर लेना कि उसकी दिशा परिवर्तित हो जाए तो नहीं हो सकती। मैं आपसे कहता हूं कोई बच्चे को प्रमाद आता है और जल्दी सुबह नहीं उठना चाहता है। अब माँ उसको ये कहती है कि देखो तुम अभी जल्दी सो जाओ और सुबह जैसे ही सूर्य की पहली किरण कमरे की खिड़की से आए और तुम जग जाना। अब उसको ये समझ में आया ये सूर्य है ना ये सोने नहीं देता, क्योंकि ये टाइमर बन के बैठा हुआ है, ये इसकी किरण आएगी तो माँ कहेगी उठ जाओ। तो क्या करें अपन? तो एक काम करो, पूरे कमरे को पर्दों से ढांक दो, खिड़कियों को बंद कर दो। और ये सब ढांक दिया तो क्या आपके इस प्रयास से सूर्य का प्रकाशमान पना या उदयमान पना भंग हो गया, नष्ट हो गया? नहीं। ऐसे अनादिकाल से जीव ने अपने को शुद्ध स्वरूप अनुभव नहीं किया था तो क्या वह शुद्ध नहीं रहा? आचार्य देव कहते ऐसा नहीं है, वह वर्तमान की एक पर्याय की अशुद्धि के कारण आड़ में पड़ा हुआ है, लेकिन है तो शुद्ध ही। क्या कह रहे हैं? सिर्फ संप्राप्त शब्द डाला ना, सांप्रत, सांप्रत यानी वर्तमान में जीव द्रव्य रागादि अशुद्ध चेतना रूप परिणमा है। और जिस समय देखोगे और वर्तमान पर्याय को देखोगे वो वर्तमान ही कहलाएगी। भूतकाल में जो अनंत पर्याय हो गई हैं वो भी उस समय, जिस समय हुई है तब तो वर्तमान ही थी, और उससे पहले और उसके बाद आत्मा स्वभाव से उन पर्यायों से अछूता रहा। सुनना, पूजन भक्ति के काल में मंद कषाय का जब परिणाम चला है वो, और व्यापार करते काल में तीव्र कषाय का परिणाम चला है वो, इन दोनों ही परिणामों से आत्मा अछूता है। और जो अस्पर्शी है, जो अछूता है, जो अपने स्वभाव को प्राप्त है, वही शुद्ध है। कब से शुद्ध है? त्रैकालिक शुद्धता को लिए हुए। अभी कैसा है? शुद्ध है। आगे भी कैसा रहेगा? इसलिए तो बंसी के वचनामृत में बात आई है, आज मानो, कल मानो, के अनंत काल के बाद मानो।
क्या मानना पड़ेगा, ये बात माननी पड़ेगी कि शुद्ध ही है। शुद्धता को लक्ष्य में बिना लिए बिना शुद्धता की प्राप्ति होने नहीं वाली है। और जितना जितना पर्याय दृष्टिकोण रखेगा उतना उतना दुखी खेद खिन्न होगा, द्रव्य स्वभाव का घात करता है। जीव द्रव्य रागादि अशुद्ध चेतना रूप परिणामा है सो तो ऐसा प्रतिभासता है। और देखो इसको भी शब्द क्या प्रयोग किया, ये प्रतिभास है, यह स्वभाव नहीं है, दिखता है। क्रोध के काल में क्रोधी दिखता है, क्रोधी होता नहीं है। एक दृष्टांत दूं मैं आपको, एक माँ अपने बच्चे को बहुत मीठा खाता है और उस कारण से नहीं मानता है तो मार भी रही है, डांट भी रही है। अब उसके चेहरे पर उसकी भौं चढ़ी हुई है, आंखें कहना बड़ी बड़ी हो गई हैं, हाथ की आकार प्रकार आकृति भी ऐसी हो गई कि हाथ उठाया है मारने के लिए, और मुंह से भी वचन कैसे निकल रहे हैं, यहां से भग जा नहीं तो जोर का जमा दूंगी। अब बोलो सारी क्रियाएं कैसी दिख रही हैं, सारी क्रियाएं क्रोध रूप दिख रही हैं। जो भी क्रोध के लक्षण है वो दिख रहे हैं। कोई निकटवर्ती पड़ोसी है जिसको कोई लेना देना नहीं है, वो अचानक उसी समय आ जाए तो क्या कहेगा, भैया इसकी माँ तो बहुत ही खतरनाक है, है? बेचारे बच्चे का दुर्भाग्य, उसकी माँ बड़ी खतरनाक है, एक लड्डू मांगता है तो लठ लेके दौड़ती है पीछे। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, जिस समय ये सारी अभिव्यक्ति दिख रही है, कषाय का रूप दिख रहा है, उस समय माँ कैसी है? मैं कहता हूं अगर वह बच्चा समझदार होगा तो भले वो क्रोध के उस काल में कोई पड़ोसी उसको कहेगा चलो चलो हम तुमको मिठाई दे रहे तुम घर चलो, ठीक है, वो ले गए और उन्होंने उसको लड्डू दे दिया। समझदारी क्या कहती है, लड्डू खा करके उसी घर में रह जाना कि लौट के अपने घर में आना। तेरे को सच्चा प्रेम करने वाली कौन है, वो पड़ोसी की माँ। तो क्रोध की अवस्था में भी माँ क्रोध रहित है, और दिखने वाला क्रोध क्रोध नहीं है, दिखने वाला क्रोध क्रोध नहीं, वो करुणा है। क्या कह रहा है? और ऐसे ही विकार की अवस्था में आत्मा विकारी नहीं है, यह उस द्रव्य का परिणमन है। क्या कह रहा है? वह द्रव्य का परिणमन है। हम द्रव्य के परिणमन यानी पर्याय को द्रव्य मान लें तो भूल हमारी है, इसमें द्रव्य में कोई कमी आने वाली नहीं। वर्तमान का एक समय के विकार को द्रव्य पे लागू कर लेना, ये जीव की अनादि की भूल चल रही है, पर भूल भी एक समय की, अनादि से है पर एक समय की। हर समय नई नई भूल कर रहा है, लेकिन भूल कर रहा है इसका मतलब भूल सुधारने की योग्यता वाला भी है। जो थोड़ा पढ़ करके पास हो सकते हैं वो अच्छी मेहनत करके डिस्टिंक्शन में आ सकते हैं। प्रमोद जी ये फार्मूला लागू हो सकता है ना, जो थोड़ा पढ़ करके पास हो सकते हैं वो थोड़ी मेहनत अच्छी कर रहे हैं तो डिस्टिंक्शन में आ जाएंगे। ऐसे ही जो जीव अभी विकार रूप परिणमित होता दिख रहा है, इस विकार के काल में भी सिर्फ वर्तमान पर्याय से उसको भिन्न कर दें, दृष्टि से हटा दें, तो वह जीव त्रैकालिक शुद्ध ही है। यह बात आचार्य अमृतचंद स्वामी यहां स्थापित कर रहे हैं इस कलश के माध्यम से। जो ज्ञान भिन्न क्रोध भिन्न ऐसा अनुभवना अति कठिन है, क्योंकि प्रतिभास रूप होता है। प्रतिभास के काल में कमजोर जिनका दृष्टिकोण है वह समझ नहीं पाते। देखो जिसकी नेत्र ज्योति कमजोर होती है ना, वो बिना साधन के किसी विषय का कहना चाहिए स्पष्ट निर्णय नहीं कर पाता। जिसके आंख कमजोर है उसको चश्मे की जरूरत है, ठीक है, और जिसकी नेत्र ज्योति वैसे ही अच्छी है तो उसको जरूरत नहीं है। चक्रवर्ती है अपने घर के महल के छत पे से खड़े हो करके, और वहां पर जो चंद्र आदि हैं, वहां पर जो अकृत्रिम चैत्यालय हैं, जिन मंदिर, उनके दर्शन यहीं से कर रहा है। हाँ, और हमारी क्षमता नहीं है तो हम उसमें चंद्रमा में जो लौकिक कल्पनाएं चलती हैं कि उसमें दाग है तो हिरण दिख रहा है, तो ये दिख रहा है, तो वो दिख रहा है, तो नहीं तो फिर चंदा मामा दूर के, इससे आगे बढ़ नहीं पाती कहानी। बात ख्याल में रहा? देखो क्या कह रहे हैं, ज्ञान क्रोध रूप परिणामा सो ज्ञान भिन्न क्रोध भिन्न ऐसा अनुभव ना अति कठिन है। उत्तर इस प्रकार है, साचा ही कठिन है, झूठा सरल है, साचा कठिन है। क्या कह रहे हैं? देखो मैं आपसे एक बात कहता हूं, व्यवहारिक चर्चा है लेकिन व्यवहारिक चर्चा को समझने की कोशिश करना। ब्रह्मो जी मैं आपके घर आऊं और किस समय आऊं, भोजन के टाइम पे अचानक आ जाऊं, व्यवहारिकता क्या कहेगी?
व्यवहारिकता कहेगी, अरे साहब बहुत बढ़िया समय आया आप तो, मजा आ गया, आओ भोजन कर लो आप, बिल्कुल तैयार है एकदम गरम गरम, ठीक है। अब उदाहरण ही है, और हम अपने जिनसे हमारा बहुत क्लोज है उनको उदाहरण में ले लेते हैं, अपनी टीम में लेके उदाहरण बना लेते हैं। पर भाभी जी ने तो आज एक ही जन का बनाई थी, उनको भोजन करना नहीं था, आप ही के लिए बनाई थी और बच्चों का बनाई थी, और आपने बाहर बोल दिया गरम गरम बनाए साहब, हैं। अब अंदर वो विचार करें, ये तो हमारी इज्जत उतार के रहेंगे, अब अभी अभी हम थाली में क्या परसेंगे बताओ, है तो है ही नहीं। अब मैं आपसे कहता हूं, ये जो व्यवहार आपने किया, ये व्यवहार सरल है कि कठिन, बोलना सरल है कि कठिन है? बोलना तो बहुत सरल लगा क्या, अरे बहुत अच्छा हुआ आप आई आई, अरे जो बना रहा है उसके लिए कठिन है ना, उसको व्यवस्था करना कठिन है? हाँ, ये व्यवहार बहुत सरल है, आत्मा शुद्ध है, ये व्यवहार सरल है, आत्मा परद्रव्य का कर्ता नहीं है, ये वचन व्यवहार बहुत सरल है, जिन वाणी का पढ़ लेना ये बहुत सरल है, भगवंतों की पूजा भक्ति तीर्थ कर लेना ये बहुत सरल है, कठिन क्या है? कठिन क्या है कि इसमें जो भाव छुपा हुआ है उसको स्वीकार करना, वो कठिन है। सांचा ही कठिन है, सांचा कठिन है, वो सारे जगत को जो कठिन लगता है उसको वो छोड़ देता। आत्मा का अनुभव सरल काम है, कठिन काम है? साहब बहुत सरल है, तो फिर हुआ क्यों नहीं? हो गया होता तो हम यहां बैठे होते? अरे अगर हमारा सम्यक पुरुषार्थ हो गया होता स्वरूप समझने का तो सिद्धालय में होते। सांचा ही कठिन है, क्या कह रहा है? कठिन है यह शब्द कहकर यह तय किया गया है असंभव नहीं है। क्या कठिन है यह कह के यह निर्धारित कर दिया गया असंभव नहीं है। ऐसा कह देते जो सांचा है वो संभव ही नहीं, तो बात अलग थी। सांचा है, कठिन है, और कठिन इसलिए है क्योंकि अभी इस जीव का जो संस्कार पड़ा है अनादि का, वह पर में ही दृष्टि डालने का है, पर्यायों को ही द्रव्य मानने का है, संयोग में ही सुख मानने का है, सच्चे की खोज करने की दृष्टि जागृत नहीं हुई है, अच्छे के चक्कर में पड़ा हुआ है। अभी एक ग्रुप में एक बहुत समन्वयात्मक लेख आया, और वह समन्वयात्मक लेख में ये बात आई कि भाई ये अपवाद मार्ग था, कोरोना का समय था, तो अपवाद में अपन ने एक अवसर की कोशिश की कि ऑनलाइन व्यवस्थाओं में पूरे देश विदेश में सब जगह वही पद्धति के द्वारा स्वाध्याय भक्ति चिंतन जो बन सका सो वो उस प्रयोग को किया गया। अब तो सारा मामला खत्म हो गया ना, अब तो यह चीज का प्रयोग करना राजमार्ग में बाधा उत्पन्न कर सकता है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, यद्यपि वो लेख बहुत समन्वयात्मक है, वो बहुत अच्छा लेख है, मैं उसका पूर्णतः समर्थक हूँ, और उन्होंने बोला जहां व्यवस्था नहीं वहां व्यवस्था का उपयोग भी होना चाहिए, लेकिन जिन मंदिर सूने ना हो, स्वाध्याय का क्रम चले, लोग जुड़े, लोग बैठे, सब कुछ हो, लेकिन एक बात समझने की बहुत महती आवश्यकता है, यह सब हो लेकिन इसके साथ परिणाम की विशुद्धि नहीं हो तो वो धर्म कैसा? हमारी एक आदत यदि ये बन जाए कि हम सुबह से उठ करके रोज मंदिर जाते हैं, क्योंकि मंदिर जाकर के ही हम कुछ खाते पीते हैं, बिना उसके खाना पीना धर्म अनुसार नहीं है, योग्य नहीं है, इसलिए जाते हैं, प्रक्षाल करते हैं तो मन में बहुत शांति का वेदन होता है, इसलिए हम भगवान का प्रक्षाल अभिषेक आदि करते हैं, पूजा करने से बहुत अच्छा परिणाम हो जाता है, एक घंटे मन शांत हो जाता है तो बहुत अच्छा है, उसके बाद दुकान खोलते हैं और अपने दुकान के काम में लग जाते हैं, कदाचित स्वाध्याय आदि भी कर लेते हैं, ये सब किया लेकिन लक्ष्य अपने ख्याल से ओझल हो गया। कौन सा लक्ष्य? ये सब के पीछे का लक्ष्य क्या था? मैं उनकी चर्चा नहीं कर रहा हूं जो घर पे सो ही रहे हैं, उठे ही नहीं है, जैन होकर के भी जिन्हें जैन धर्म के प्रति मतलब भगवान के दर्शन पूजन भक्ति का भाव नहीं आता, उनकी तो बात ही नहीं कर रहे, बात उनकी की जा रही है जो ये सब करते हैं, ये सब करने पर भी लक्ष्य जिनके ओझल हो गया, धूमिल हो गया लक्ष्य, तो क्या वह लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे? प्रतिभास पने की बात चल रही है, प्रतिभास क्या कह रहे हैं? प्रतिभास, कई बार ऐसा होता है
सांचा कठिन भी है और सांचा कठोर भी बहुत होता है। क्या मैंने बात कही थी ना, मिर्ची कब लगती है, मिर्ची कब लगती है, कौन से सीजन में लगती मिर्ची? मैंने एक जगह ऐसा पढ़ा है कि जब सच कहो तब मिर्ची लगती है, सीजन में नहीं लगती, जब सच कहो तब मिर्ची लगती है। मिर्ची लगना अच्छी बात है कि नहीं, पता है आपको? मैंने ऐसा सुना है, मैं बहुत जानता नहीं हूं पर सुना है, भोजन के साथ हरी मिर्ची खाई जाती है। क्यों खाई जाती है, उसका रीजन है, ये कोई स्वाद अकेले की दृष्टिकोण से नहीं है। आप जब हरी मिर्ची खाते हो तो आपके जिभ्या पे लार अतिरिक्त बनती है और वह लार जितनी भोजन के साथ जाएगी भोजन उतना सुपाच्य हो जाता है। शरीर विज्ञान की भाषा है। क्या कह रहा है, वहां किसी को मिर्ची लगाने के लिए मिर्ची जीभ में नहीं रखी गई है, उसके हित के लिए वो जागृत हो। आचार्य देव ने ये कला का प्रयोग किया। कहीं रे भाई भी कहा है, हे भाई कहा है, रे जीव कहा है, भव्य भी कहा है, और कहीं पर कहा है दुष्ट, हे दुष्ट चित्त, रे पापी, ऐसे शब्द भी प्रयोग किए। अब किसी को शंका हो जाए कि दिगंबर मुनिराज के परिणाम भी बड़े बदलते हैं, कषाय में बोल रहे थे इस समय मुनिराज, किस समय, जब रे पापी, रे दुष्ट चित्त, और जिस समय वो उन्होंने रे भाई कहा था, रे भव्य कहा था, उस समय उनकी कषाय बड़ी मंद थी। गजब की बात है, मुनिराज को कषाय वाला देखना है कि निष्कषाई देखना है, और उन्हें तभी देख पाएंगे जब अपने को भी स्वभाव से निष्कषाय देखेंगे। सांचा ही कठिन है। क्या कह रहे हैं, दिगंबर मुनि मुद्रा धारण कर ले, निर्ग्रंथ वेश को अंगीकार कर ले, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करे, 18,000 सील के दोष पाले, 84,00,000 उत्तर गुणों का पालन करे, सांचा ही कठिन है। क्या कह रहा है, सांचा ही कठिन है। ये बात समझ करके अपने परिणामों की संभाल से बड़ा कोई धर्म नहीं, और जिनके निमित्त से ये हो उनकी संगति में रहो। देवशास्त्र गुरु हमारे परिणाम की संभाल और मोक्ष मार्ग के पथ प्रदर्शक हैं, इसलिए उनकी संगति से पीछे नहीं हटो। क्या समाधि के साधन में भावना 32 में पंक्ति डाली है, तरण चौकी चिल सिल सैल शिखर नहीं, आत्म समाधि के साधन संस्तर पूजा संग सम्मेलन नहीं, समाधि के साधन। या साधनों से साधना नहीं होती है, साध्य से साधना होती है। साध्य दृष्टि में होगा तो साधना होगी, साधन जुटा लेने से साधना नहीं होगी, शांति निकेतन बना लेने से शांति नहीं होगी। अभी परसों रात्रि में मैं 3:30 बजे रात को सोया, कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, ये भी बता दे रहा हूँ कि कोई बहुत बड़े काम कर रहे थे ऐसी बात भी नहीं है, कुछ आवश्यक कर्तव्य थे वो कम बनात करते करते, बेटे के स्कूल के प्रोजेक्ट थे और लास्ट डेट थी, भूल गए थे, अब जमा करना जरूरी था, हम बैठ के करते रहे। तो उसमें आया था कि दिल्ली के 10 दर्शनीय और धार्मिक पर्यटन स्थलों की जानकारी निकाल करके और वो तैयार करने, जैसे और भी विषय था उसमें। एक मैंने पढ़ा, लोटस टेम्पल है दिल्ली में, आपने देखा होगा, बहाई धर्म उपासना वालों का मंदिर होता है वो, बिल्कुल कमल के आकार का मंदिर है उनका। तो कभी बहुत पहले जब घूमने गए थे दिल्ली तो देखा भी था उसको, पर मुझे ये ध्यान नहीं था कि इसके अंदर मूर्ति नहीं होती और इसके अंदर कोई पूजा पाठ भी नहीं होता, और लोग जूते चप्पल पहन के जैसे जाना हो जैसे जाना हो। उसमें मैं उसका जो इंसाइक्लोपीडिया है उसमें खोल करके देख रहा था कि कुछ बिंदु इसमें से लिखने हैं तो पढ़ूं, तो वो देखते में मेरी नजर पड़ी, उसमें लिखा है ना इस मंदिर में मूर्ति होती है ना यहाँ पर पूजा पाठ होती है, जो बाहाई धर्म होता है ये धर्म शांति के लिए यहां आकर के बैठता है। क्या कह रहे, शांति के लिए यहां आकर बैठता है। मैं मन में विचार किया, जहां शांत परम शांत मुद्रा के धारी कोई भगवान ना हो, इष्ट नहीं हो, तो वहां शांति कैसी है? जगत को खबर ही नहीं है शांति कहते किसको। क्या कह रहे हैं, शांति का स्वरूप क्या है, सुख का स्वरूप क्या है, ये पता नहीं है, पर शांति की खोज जरूर कर रहे हैं। वो जा क्यों रहे हैं, शांति के लिए जा रहे, लिखा ही है वहां, यहां लोग शांति के लिए आते हैं। ऐसे विचार करना, अपना स्वभाव कैसा है, शांत है, कैसा है, शीतल है,
सुखमय है, ज्ञान दर्शन गुणों से पूर्ण है, तो ऐसे स्वभाव को लक्ष्य में लेकर के, और यदि उपयोग यहाँ नहीं टिकता है तो फिर पंच परमेष्ठी देवसाद गुरु की भक्ति में उपयोग को लगाता है, तो निश्चित ही वह शांत स्वरूप को प्रकट भी कर सकता है और प्राप्त भी कर सकता है। वस्तु का शुद्ध स्वरूप विचारने पर भिन्न पने रूप स्वाद आता है। कैसा है भिदा भिन्न पना? कर्तुभावम विन्दंती, कर्तुभावम कर्म का कर्ता जीव ऐसी भ्रांति उसको विन्दंती मूल से दूर करता है। जीव कर्मों का करता है, इसको मूल से, जड़ मूल से ये बात निकाल करके अलग कर दी। किसने किया? आचार्यों ने किया कि ज्ञान ने किया? कहा जाएगा अमृतचंद स्वामी बता रहे हैं कि कर्म आत्मा का करता नहीं। अरे अमृतचंद स्वामी तो कह रहे हैं, पर हमारे ज्ञान में अनुभव में आता है कि नहीं आता है? ज्ञानावरणी कर्म के उदय काल में भी ज्ञान अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? भले अंश रूप में कर रहा है। सिगड़ी में राख के नीचे दबा हुआ अंगारा अपनी उष्णता, भले अल्प ही सही, पर अपनी उष्णता से ही है ना, अपने ही स्वभाव से तप तपायमान है ना। वो जो गर्मी है वो किसके कारण है? सिगड़ी के कारण है, राख के कारण है कि उसमें है वह उष्णता तो है। रामो जी समझ में आता है? अभी वर्तमान ज्ञान की जितनी पर्याय है वह ज्ञान की पर्याय स्व का निर्णय करने के लिए पूरी है। अभी निर्णय हो सकता है, अभी तय हो सकता है मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है। और यह जो स्वरूप दिख रहा है बाहर में, जो दिख रहा है ये चरित्र बन रहा है, ये आत्मा का स्वरूप नहीं है, ऐसी चर्चा यहाँ पर चल रही है। कल विषय को जोड़ेंगे, क्योंकि कल का गैप हो गया था इसलिए आज मैंने फिर से उस गाथा को पुनरावृत्ति में ले लिया। घोटने से नुकसान नहीं है, परंतु सार निकलना आवश्यक है, और घोटा उसी को जाना चाहिए जिसमें माल हो। पानी को बिलोने से उसमें से मक्खन निकलने वाला नहीं है, परंतु दही को बिलोएंगे तो पक्के में निकलेगा। हाँ, और अपन तो बनिया हैं, बिगड़ने वाले लोग नहीं है, बनिया हैं। गन्ने का रस भी निकालेंगे ना तो 5 बार दबवाएंगे मशीन के अंदर गन्ने को। भैया अभी बाकी है, क्या कह रहे हैं, अभी बाकी है बात ख्याल में, तो रस है तो प्रकट होता है। उस वह रस आ कहां से रहा है? शुद्ध ज्ञान स्वभाव का अनुभव करने पर वही चैतन्य स्वयं प्रकाशमान प्रकट होता है। चर्चा कल इस विषय पे जोड़ेंगे, दृष्टांत के साथ में जुड़ेंगे। कल दृष्टांत की चर्चा पहले भी थोड़ी की थी, पुनः लेते हुए 2 दृष्टांत और इस कलश को पुष्ट करने के लिए आएंगे। आइए हम सभी अभी विराम लेते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। रमो अरिहंताणम रमो सिद्धाणम रमो आयरियाणम रमो उवच्छायाणम रमो लोए सब साहूडम रमो अरिहंताणम रमो सिद्धाणम रमो आयरियाणम रमो उवच्छायाणम रमो लोए सब साहूडम रमो अरिहंताणम रमो सिद्धाणम रमो आयरियाणम रमो उवच्छायाणम रमो लोए सब साहूडम। जय बोली देव शास्त्र गुरु भगवान की जय हो। जय बोले द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय हो। जय बोले वीतरागी जैन शासन की जय हो। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की जय हो। संध्या काल में 8:30 बजे लोक भावना की चर्चा कार्तिकीय अनुप्रेक्षा ग्रंथ के आधार पर आगे चलेगी। कल प्रातः 249वीं मंगल तीर्थ वंदना के साथ आगे की ओर हम सभी बढ़ेंगे और एक नए क्षेत्र और जैन मंदिर का दर्शन करते हुए भगवंतों की पूजन भक्ति का लाभ लेंगे। आराधना का पंथ निश्चित आगे बढ़े और अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। इस पवित्र भावना से विराम। सभी को जय जिनेंद्र।